जी जीशान, अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा भी आपने पहले ये चीज नहीं सोचनी है कि भी हमारे से एक्सपीरियंस मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, आप जस्ट अपनी सीवी पुट करें, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में जाएं, इंटरव्यू में जाके देखें भी होता गया है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपने जस्ट MS कंप्लीट कर लिया, ये आपका थीसिस ठीक है सबमिट हो चुका है और आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक आपका है एक्सपीरियंस ये भी, आपने अपनी MS की सर्च की है, उस पर 6 महीने साल लगाए हैं, अगर आप उसे एज एक्सपीरियंस काउंट करके उन्हें ये एक्नॉलेज कर देना जाके कि ये मेरा एक्सपीरियंस यही है, तो अगर ठीक आपके है अंदर यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा है, आपकी एबिलिटीज पूरी है, तो मैं ठीक नहीं है समझता कि कोई कंपनी आपको ये कहते कि नहीं यार आप डर जाए। वो एक दफा ये जरूर सोचेंगे कि यार इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं हम, 6 महीने ठीक है 5 महीने देखते हैं, और अगर आप में ठीक है वही सारी डिटर्मिनेशन है, आपने जॉब करनी है और आप सोच चुके हैं कि मैंने फील्ड में ही होना है, तो वो आपको ठीक जॉब है ऑफर कर देंगे। मैं आपसे सिंपल सी ना, मैं ये अपना छोटे जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसे कंक्लूड करूंगा, क्योंकि हमने ठीक जस्ट है यानी कि 2016 में स्टार्ट किया, आज से 4 साल पहले 2016 के एंड पे स्टार्ट किया। अब उसमें ठीक है एक चीज देख लें कि हमने स्टार्ट किया था अपने थीसिस सबमिशन से पहले, मुझे क्या उन्होंने इंटरव्यू हुआ है व्हाट्सएवर, जो भी पूछा, आप सोसाइटी में थे, आप फार्मिंग कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे, फार्मिंग बैकग्राउंड है, ये वो सारे क्वेश्चन मेरे क्लियर थे, ओके था। उन्होंने मुझे ऑफर कर ठीक दी है कि आप आ जाए इंटर्नशिप में। वो मुझे क्या दे रहे थे, वो मुझे 25,000 रुपया दे रहे थे और एक बाइक दे रहे थे, और मैं अपने घर से तकरीबन 120-130 किलोमीटर दूर, या मेरे ख्याल में 120-130 पे 150 किलोमीटर दूर जाके मैं ये जॉब कर रहा था, सिर्फ संडे की ठीक छुट्टी है थी। अब ठीक इसमें है हुआ क्या कि जब मैं उधर जाके अपने कैरियर का स्टार्ट लिया, तो उस इंडस्ट्री के अंदर, उस लोकल कम्युनिटी के अंदर, पाकपतन, दीपालपुर, साइबल, उन्हें ये पता लग गया कि एक MSc ऑनर हॉर्टिकल्चर लड़का नया पेप्सी के अंदर इंटर्नशिप कर रहा है, तो इसे हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि उस मार्केट के अंदर आप इंटर हो चुके हो, आप इंडस्ट्री के अंदर पहला कदम रख चुके हो। ये बात कर रहा हूं कि जस्ट पहला कदम रखना मुश्किल है, आप एक दफा पहला कदम रख जाएं, बेशक आप 10,000 पे काम कर रहे हैं, बेशक 15,000 पे, आपका पॉजिटिव है, आपकी डिटर्मिनेशन अच्छी है, जो कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में आप उधर मूव कर रहे हैं या जिस कंपनी में, वहां पे आपकी रिप्यूट अच्छी है, लोग आपको अच्छे लफ्जों से बुलाते हैं, अच्छे लफ्जों से बात करते हैं, जिस फार्मिंग कम्युनिटी में आप अब काम कर रहे हैं उनके व्यूज आपके बारे में पॉजिटिव है, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने में देर नहीं लगेगी। मुझे ठीक है ये जस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर ना, फेब में मैंने रिजाइन किया, पेप्सी छोड़ी मैंने, 6 मंथ के अंदर अंदर मुझे 5 से 6 कंपनीज यानी कि डिफरेंट पेस्टिसाइड की कंपनीज ने ऑफर कर दी थी कि आप साहिवाल आ जाएं, या आप उकाड़ा आ जाएं, या आप पाकिस्तान आ जाएं इस पोस्ट पे। लेकिन मेरा पहले से माइंड यानी कि ये सेट था कि भी मैंने पेस्टिसाइड में जाना नहीं था, तो मैंने दो तीन जो मेरे यानी कि ड्रीम जॉब थी ना एग्रीकल्चर में, वो सबकी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मेरा पहले था अभी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, मैंने बारहा दफा इनकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती थी, तो मैंने इनके HR को, जो इनका पोर्टल है उस पर बार बार मेल करनी, उनसे अपनी CV को अपलोड कर देना, और उनका वो एक लेटर मांगते होते हैं, वो लेटर बार बार मॉडिफाई करके भेजना, भी जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए तो ये मुझे इंटरव्यू निकाल दें। तो उसके बाद में ठीक दूसरा है मेरा था अभी मॉन्सेंटो, ये यानी कि सीड सेक्टर में मॉन्सेंटो एक अच्छा ग्रुप अभी भी है, अभी तो बायर ने उसे हायर कर लिया, तो ठीक उसमें है भी मैंने यही डिफरेंट रेफरेंस है, सोफिया भी थी, उन्हें कहना भी मेरी अगर जॉब इधर हो जाए आप बात करें, तो उस टाइम उधर भी वैकेंसीज नहीं थी, फिर एंग्रो में वैकेंसीज आई है डेवलपमेंट में, तो उसके लिए टेस्ट दिया, सिंपली 3 इंटरव्यू हुए हैं उसमें, पहले इंटरव्यू में जस्ट बेसिक क्वेश्चन, सेकंड थर्ड इंटरव्यू के अंदर अच्छे इंटरव्यू किए हैं उन्होंने मेरे साथ ही, ठीक यानी कि है लड़के शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, 200 लड़के में से शॉर्टलिस्ट हो गए, उन्होंने मेरे ख्याल में 3 या 4 लड़के हायर किए थे, जो टेस्ट बेस पे उन्होंने पहले निकाले हैं, फिर पहले इंटरव्यू में, फिर दूसरे में, ठीक जो है लास्ट ठीक इंटरव्यू है में मेरे साथ लड़के थे ना, उनमें सबसे कम एक्सपीरियंस वाला लड़का मैं था, उसमें बहुत से लोग ठीक ऐसे थे है जिन्होंने डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंपनीज में काम किया हुआ था, किसी ने ठीक है फर्टिलाइजर के किसी प्लांट में काम किया हुआ था, उस वो केमिस्ट्रीज को सारे को जानता था। मैं एक दफा उधर जाके कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे से एक्सपीरियंस है ये ले जाएंगे, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो मेरी ठीक गुड है लक ये थी, इसमें मैं जस्ट ना एक पॉइंट एंड पे ऐड करूंगा कि भी हमारी गुड लक किस वजह से रही है, हमारा
मेरी गुड लक ये थी कि भी यूनिवर्सिटी कलर होल्डर मैं था उस टाइम, गोल्ड मेडल के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरी नॉमिनेशन हो चुकी थी, फैकल्टी कलर होल्डर था मैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हाँ उसके प्लस हाँ ठीक है, आगे पीछे कोई दो चार फील्ड मैनेजमेंट की थी, कोई बेस्ट इसकी मैनेजमेंट की दो तीन अवार्ड थे। तो जस्ट ठीक जो है, बंदा उस एंग्रो का यानी कि हेड उधर बैठा था उस यूनिट का, वो जस्ट इस चीज से इंप्रेस हुआ था। वो कहते हैं भी अगर आप अपने पिछले 6 साल के अंदर 3.26 CGPA के साथ, 3.36 CGPA BSc में, 3.67 MSc में, इसके साथ साथ अगर आप साइड लाइन पे ये सारा कुछ करके ये अवार्ड विन कर सकते हो तो आप एंग्रो में बहुत आगे जा सकते हो। ये उसके ड्यूरिंग इंटरव्यू रिमार्क्स थे मेरे बारे में। तो वो मुझे, मैं जबरदस्त, होपफुली यानी कि बाहर निकला था, जब मैं होपफुल था मैंने कहा मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, और सिलेक्शन ठीक हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंग्रो में 1 साल 11 मंथ का टाइम गुजरा, उसमें इंतहाई प्रोफेशनलिज्म है एंग्रो कंपनी में, फर्टिलाइजर में बॉसेस बहुत अच्छे मिले। तो ठीक है, जब उधर से मैंने गवर्नमेंट में स्विच करना था, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मेरा लेटर आ गया, मेरा अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था। तो बॉस यही चाह रहे थे कि भी पंजाब में, मैं तकरीबन आप कह लेंगे पंजाब और सिंध दोनों टीमों में मैं दोनों सालों में टॉप पे या सेकंड नंबर पे ही रहा हूँ, यानी कि इससे नीचे नहीं आया। तो वो जबरदस्त, ये चाह रहे थे कि पैकेजेस वगैरह रिवाइज करके भी आपको एक अच्छी परमानेंट पोजीशन पे ले जाते हैं एंग्रो के अंदर, लेकिन सारी बात है ठीक फिर ठीक गवर्नमेंट है, जॉब का एक करना, तो इस वजह से फिर पंजाब गवर्नमेंट में स्विच कर लिया। तो इसमें ठीक भी है, अगेन जो चीजें हमें काम आई हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस था, जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ठीक था, है, जो हमने अपने वाले साहब को करते देखा था या उनसे सीखा था या अपने सुपरवाइजर से या टीचर से, ये बात ये ठीक था कि है, भी हमने स्टार्ट कैसे लेना है। अगर मैं उस टाइम बैठ जाता, मैं यानी कि हूं अकलौता ही, तो मुझे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो कह रहे थे भी आप छोटी जॉब ना कर, ठीक लेकिन है, उस टाइम दो चीजें क्लियर थी, एक PhD नहीं करनी, क्लियर भी नहीं करनी, आगे किसी प्राइवेट से स्टार्ट लेना है। दूसरे नंबर पे मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू में, वो बहुत सारे ठीक कोलीग्स है, ने 14 स्केल पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, 16 में किया, मैंने आज तक टीचिंग डिपार्टमेंट में 14 या 16 पे अप्लाई नहीं किया था। मुझे मेरे वाले साहब कहते ठीक रहे है, भी यार कुछ नाम मिलते बेहतर अभी आप अप्लाई कर लें। मैंने कहा टीचिंग में अप्लाई नहीं करना, भी जैसे ही कोई मैनेजेरियल पोस्ट या एग्रीकल्चर ऑफिसर की या रिसर्च की जॉब आएंगे ना उसमें अप्लाई कर लूं। तो ये ठीक है, है, आपने स्टार्ट लेना, जैसे भी मुश्किल से आप जल्दी भी कोशिश करनी है, भी आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। जैसे ही आपका थीसिस सबमिट होता है यार, अपने सुपरवाइजर को आप कह दो ना जाकर भी, लॉयल हो गए सर मुझे जॉब की जरूरत है, भी मैंने जॉब ही करनी है, तो आप ना कोई रेफरेंस ढूंढ के मुझे किसी भी फॉर्म के अंदर लगवा दें। क्योंकि यार ये पॉसिबल नहीं है जुनेद कि आपका सुपरवाइजर आपको सपोर्ट ना करे और आपको जॉब हंट करके ना दे, आप अपने डायरेक्टर के पास चले जाएं। ठीक है, अगर थीसिस जमा करवाते हो और आके घर बैठ जाते हो और ये सोचते हो कि जॉब आके हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी या अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप पीछे भागेंगे, आपको मिल जाएगी, और यकीन करें 1 वीक भी नहीं लगेगा। ठीक एक है, वीक चले ज्यादा कम कह दिया मैंने, एक मंथ भी नहीं लगेगा आपको, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। और जब आपने इन हो जाना, ठीक है, उसके बाद ये बात भूल जाए तो भी आप अगर हार्ड वर्किंग हैं, पॉजिटिव हैं, डिटर्मिनेंट हैं, तो आपको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। जबरदस्त, अच्छा तो मैं जिशान इसमें उसमें, ना, मैं बात ना, यानी कि जो आपको मैंने बात की है अभी, हमारी गुड लक किन बातों की वजह से रही है। ठीक मैं है, अक्सर जूनियर को भी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाऊं ना, तो मैं एक बात लाजमी करके आता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अपना पूरा फोकस स्टडी पे ना रखें। ठीक है, भी आप ड्यूरिंग BSc आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, भी जो ये हमारी एग्रीकल्चर की डिग्री है, आप अगर इसे अच्छे तरीके से टाइम दे के भी पढ़े ना, तो फिर भी दिन में आपके पास सोने के अलावा ना 8 घंटे सोने के भी निकाल दें, फिर भी आपके पास 5 4 5 घंटे सफिशियंट बचते हैं। तो ठीक है, उस टाइम के अंदर आप अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज के अंदर ना इंगेज करें। कोई ठीक है, एग्रीकल्चर की ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके साथ अपने आप को इंगेज कर लें। डिफरेंट सोसाइटीज ठीक हैं, है, अगर आपका कोई डिबेट के हवाले से, क्विज के हवाले से, किसी हवाले से भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, आप उधर मूव कर। हमने मूव किया था ठीक एग्रेरियन है, सोसाइटी में इसलिए, हम भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन मूव कर गए टाइमली।
उससे दो चीजें ठीक है होनी है, ठीक एक तो रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है जब आप अपना एमएस है कंप्लीट करते हो, तो आपको किसी ना किसी तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर देती है कि यार आ जाए आप इधर से स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पे ये है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक आपने है, मीटिंग में बैठ के बात कैसे करनी है, आपने इंटरव्यू पैनल के प्रोफेशनल सामने एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये चीजें, ये सोसाइटीज, छोटी छोटी सोसाइटीज, ये डिग्रेडियन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये चले ठीक यूनिवर्सिटी की है एक ठीक अच्छी सोसाइटी है, ये सारी चीजें हमें सिखा देती है। अब एक जो है सिंपल आदमी है ना या स्टूडेंट है, वो एमएससी के बाद बाहर निकलता है ना, वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में बैठेगा, और हम हर साल ठीक उधर इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते थे। है मुझे याद ठीक है जब है मेरा ये प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हुआ है, तो 14-15 बंदे मेरे इंटरव्यू पैनल के अंदर बैठे थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये चीज एक ऐड करें इसमें कि यार जस्ट स्टडी की स्टडी पे फुल फोकस ना करें, कि आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट, आप समझते हो ना मैं पॉलिश कर सकता हूँ अपनी पर्सनैलिटी को, उस सेक्टर में आप मूव कर दें, उस सोसाइटी ठीक में है मूव कर दें, उस ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर दें। इसका फिर जो आपको रिजल्ट है ना, वो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, पहले आप पे लोग हंसेंगे भी यार ये पागल है, लाइफ इन्होंने सारी इसी काम पे लगा दी है, लेकिन जैसे ही आप ठीक बाहर है निकलेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि भी हमने अपना टाइम वेस्ट किया था, ये अपने आप को ग्रूम किया। जुनेद, इसमें ना मैं अच्छा मेजर के हवाले से बात करूँ, ये क्वेश्चन है एक भी, इसे फिर जी कंक्लूड जी करते तो हैं भी। हॉर्टिकल्चर मेजर का मैंने जो पहले भी बात किया ना, ये प्रोडक्शन का मेजर है ठीक जनरल, है इसकी अगर हम डिवीजन करें ना तो इसमें चार यानी कि आगे फील्ड आते हैं, एक फ्रूट्स का है, एक सब्जियात का है, और तीसरे नंबर पे जो इसमें आता है वो आपकी ये फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स प्रोडक्शन, और लैंडस्केप यानी कि जो उसे मेंटेन ठीक करना, है उसको मैनेज करना, या पोस्ट हार्वेस्ट इसका एक सब्जेक्ट है, मेडिसिनल प्लांट का एक सब्जेक्ट है, इस ये ठीक पांच है सब्जेक्ट है इस। तो इसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर देखें ना, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपके रिसर्च के जा रहे हैं, पहले नंबर पे एआरओ की सीट्स उधर होती हैं, तो एक तो ठीक ये है है कि भी उधर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आपका माइंड है अपना बिजनेस करने का, या अपना माइंड है अब्रॉड बाहर जाने का, वो मजर भाई ने भी बात की, वो मैं सुन रहा था ठीक उस है टाइम, आपने गल्फ स्टेट्स में जाना है ना, अगर अच्छे पैकेजेस पे जाना है, जस्ट आप ठीक है फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप करने, लेकिन करना इंटरेस्ट के साथ है, आपको 2-3 सॉफ्टवेयर पे कमांड हो, ऑटोकैड है, अब तो लैंडस्केप के सॉफ्टवेयर अपने बड़े अच्छे आ गए हैं, उनपे 2-3 पे जस्ट ठीक है बेसिक्स का पता हो आपको, बाहर निकले सीवी वगैरह पुट करें, कुछ थोड़ा बहुत आपका पार्क्स का या पीएचए में किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाए, भी उससे थोड़ा बहुत इन चीजों का आपका एक्सपीरियंस हो, तो आपको इजीली बाहर बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप इंजीनियर के बाहर मिल जाए। ठीक है बाकी जो सब्जियात वाला है, आप ये पाकिस्तान में आपको पता है भी कितने रकबे पे लगती है सारी सब्जियात, इसमें सीड सेक्टर कितना है, इन है पहले इंडिया से बहुत ज्यादा आ रहा था, अब लोकल कंपनीज बहुत ज्यादा बैठी हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि भी हमें वेजिटेबल्स के ऊपर ब्रीडर मिल जाए, या वेजिटेबल्स के फार्म ठीक को है मैनेजिंग मैनेज करने के लिए बंदे मिल जाए, टनल फार्मिंग बहुत इन है, हाइड्रोपोनिक पे लोग आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली इन होके आएंगे ना, तो ठीक अपॉर्चुनिटीज है आपके पास काफी। ठीक है पोमोलॉजी में वही है, अभी फार्म मैनेजर की जॉब सफिशेंट है इधर, तो काफी दोस्त अभी भी लगे हुए हैं, बाकी फिर नीचे अगर ठीक आ है जाए फिर वो जनरल जॉब ना, जैसे मैं यानी कि एक्सटेंशन में आ गया, तो ये भी यानी कि है तो प्रोडक्शन के रिलेटेड ही, मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा था इसलिए आ गया। दूसरे नंबर पे फिर जो जनरल ठीक है जॉब है नीचे आ जाती है, वो सारी टीचिंग भी आ जाती है, ये वो ये सारा फिर चलता ही रहता है साथ। सही है अच्छा जिशान, इसमें ना मैंने दो सवाल आपके लिए सोचे थे, जो कह लें कि सिर्फ मैंने ना आपके लिए सोचे थे कि आपसे पूछने हैं, लेकिन कोई हमारा शेड्यूल मिसमैनेज कह लें या टेक्निकल इश्यूज की वजह से कह लें, वो इस तरह इतना गड़बड़ हुआ है कि वो दो सवाल अभी आपसे नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर जो है ना एक सेशन करेंगे, क्योंकि वो डिटेल में जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। एक सवाल मैंने आपसे ये पूछना था कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ बंदे को जो है ना नॉलेज किस तरह गेन करना चाहिए, कौन सी बुक्स वगैरह की जो है वो स्टडी साथ साथ लेके चलनी चाहिए, और दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि पीपीएससी की जो तैयारी है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के हवाले से, या जितनी भी पीपीएससी की जॉब्स हॉर्टिकल्चर की आती रहती हैं, दूसरी आती रहती हैं, तो उनकी तैयारी किस तरह करें। तो ये सवाल इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट सेशन करेंगे 1-2 दिनों के अंदर, उसमें जो है ना डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई टेक होम मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए
जूनियर्स के लिए और हमारी कह लें कि एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए, वो काइंडली आप जो है ना 1 मिनट का वो ब्रीफ कर दें। अच्छा, एक तो ये फखर भाई हमें देख रहे थे। फखर भाई वालेकुम सलाम, ये हमारे जी उस्ताद मोहतरम है फखर भाई। तो ये जुनेद भाई, इनके साथ फखर भाई के साथ सेशन करें तो हम भी मुस्तफीद होंगे उससे सुन के। तो ये आजकल तो DTPL के एक दरक्षिंदा सितारे हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं, तो आप एक तो इनके साथ सेशन करें पहले। नहीं, दूसरे मैंने नंबर इनके पे ना साथ ये प्लान किया एक, हुआ है। अच्छा ये मैं एक क्वेश्चन, ये जिशान खान है कोई, तो ये वही वाला क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं कि अभी मेरा 7th सेमेस्टर है हॉर्टिकल्चर में, तो आगे मैं कौन से फील्ड में जाऊं, लैंडस्केपिंग में जाऊं, फ्रूट्स में जाऊं, वेजिटेबल्स में जाऊं। तो मैंने भाई इसी, ठीक ये है, बड़ी लंबी डिबेट की है पीछे, वो यही उसका मकसद कहने का यही था कि भी जस्ट आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका माइंडसेट किस चीज को पिंच करता है जाके। मैंने पोमोलॉजी मेजर इसलिए रखा था क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड था ना टोटल, वो यानी कि ऑर्चर्ड की तरफ था और मुझे इंटरेस्ट था। और जब मैं गांव में जाता था ठीक ना, है। तो लोग मेरे से पूछते थे कि, जब खास तौर पे जब MSc में आ गया था, तो लोग क्वेश्चन करते थे वाले साहब से भी, ये लड़के को पढ़ा रहे हैं भी, इसका हमें क्या फायदा होगा, या वो किन्नू लेके आ जाते थे भी, यार इसके ऊपर ये धब्बे क्यों पड़ रहे हैं, दाग क्यों पड़ रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी ले भी जाता था। मैंने जो अपना पोमोलॉजी मेजर रखा था वो इस वजह से रखा था ताकि जो मेरी लोकल कम्युनिटी है ना भी, इसको कोई ना कोई फायदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम सेटिस्फाइड इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी जॉब होम टाउन के अंदर है, वही लोकल कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ जो मेरे से पहले क्वेश्चन करते थे। अभी आपने जो लास्ट बात की है जबरदस्त। टेक होम मैसेज, मैंने वही जो लास्ट बात अपनी कंक्लूड की थी ना, यार अपना स्टडी पे फोकस आप ना करें 100%, आप 20% ठीक को 30% अपना जो टाइम है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सोसाइटी को या जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, आप उसको टाइम ना दें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए दें, ताकि जस्ट ये हो जब आप MSc कर लें तो कोई बंदा आपको ये ना कहे भी, यार आपने ड्रेस पैंट शर्ट के नीचे जोगर्स पहने हुए हैं, या आपने ऊपर कैजुअल शर्ट पहनी हुई है और शर्ट अंदर की हुई है, या आप कैजुअल ड्रेसिंग करें तो प्रॉपर कैजुअल करें फील्ड की, या आप अगर ड्रेस कोड करते हैं प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपको इतनी सेंस आ जाए उस टाइम तक कि आपको फील्ड में ये वाली बातों का सामना ना करना पड़े, जो कि हमारे एग्रेरियंस को बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जो दूसरी बात जिन्हें आपने की कि ड्यूरिंग स्टडी भी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वल्ला आलम मैंने एग्रीकल्चर की ड्यूरिंग BSc कोई किताब नहीं पढ़ी। ठीक जब है, MSc कर ली उसके बाद मैंने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी पढ़नी। तो ये आप चले, आप ये कर लें कि अभी आपने अगर BSc के बाद MSc करनी है, तो आप MSc में आके ना बेसिक्स जो बुक्स है ना वो एक दफा देखना शुरू कर दें। जैसे उसमें एक बुक का बेसिक्स ऑफ ठीक है। एग्रीकल्चर है, आप प्रोडक्शन की बुक है उसमें जनरल देखने लग जाए। अगर आप हॉर्टिकल्चर के हैं तो हॉर्टिकल्चर की बुक है एक बाय MN मलक, हॉर्टिकल्चर बाय MN ठीक मलक, है, वो आप जस्ट यानी कि ये ना उसे रट्टा नहीं लगाना, जो चीज नहीं समझ आती आप जस्ट उसे एक दफा देख लें भी, यार उसमें कंसर्न कर लें भी, जस्ट आपकी आदत एक डेवलप हो जाए भी, कल को ये हमें पढ़नी पड़ेगी। जुनैद इसमें ना एक बात ठीक है। मैं मिस कर गया कैरियर के हवाले से ना, हमारे जो अग्रेरियंस का कंफ्लिक्ट है ना, जो इनके ब्रेन के अंदर जो यानी कि एक बैरियर आ रहा है हमारी सोच के अंदर, वो ये आ रहा है कि ब्लॉकेज भी है। जब भी जॉब अनाउंस होती है ना, हम सबसे पहले ये देखते हैं यार जॉब्स कितनी, अगर तो जॉब 40 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। अगर जॉब की रेशियो 10 से नीचे है ना, हमारा ये माइंड ऐसे हमें पिंच करता है ना, यार भी आपने कहाँ होना, यही सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट है। और मेरे ख्याल में भी मेरे जितने दोस्त बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने अगर एक पोस्ट भी आई है मैंने एक पोस्ट पे भी अप्लाई की। आमिर मुश्ताक, कभी कभी लाइव ले लेंगे आमिर भाई को, उनकी पब्लिसिटी ऑफिसर वाटर मैनेजमेंट की जॉब है, और सिंगल जॉब थी, एक जॉब थी उनकी जब अनाउंस हुई है। बिल्कुल उनके ऐसे ही है। मुकाबले में PhD के लड़के भी थे, एक्सपीरियंस भी थे, सारा कुछ था, लेकिन विदाउट एनी यानी कि कोई सिफारिश नहीं था, कोई कुछ नहीं था उनकी, और उनकी सिलेक्शन हो गई थी। तो ये बात अपने ठीक माइंड से है, निकाल दें, यार दो जॉब तीन अभी आप कहें कि यार मैंने ही सिलेक्ट होना है, आप पहले दिन से ये सोच के तैयारी करें उस चीज। ठीक है। तो चलें जिशान, बाकी आपकी मोहब्बत। हाँ जी जुनेद एक मिनट, जी जी श्योर श्योर। बस वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि भी आई एम इन सेकंड सेमेस्टर, तो एडवाइस करते हैं। एडवाइस भाई यही है कि भी आप
अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें पहले नंबर पे, ये चीज सोच छोड़ दें कि इस मेजर का स्कोप है, इसी मेजर का स्कोप नहीं है, स्कोप आपका अपना है। आप एक्सटेंशन में निकल जाए, एक्सटेंशन में बड़े बड़े नाम निकले हैं भी, हम एक यानी कि एक्सटेंशन को बहुत नीचे वाला मेजर समझते हैं, और आगे अगर आप इसकी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस को समझ आए ना, तो हर हर बंदा ही एक्सटेंशन के पीछे भाग दे। तो ये है कि भी आप अपना अपने आप को एक मोटिवेट करें, भी डिटर्मिनेशन लेके आए भी यार अगर मैंने ये मेजर रखना है तो रखना है बस, उसके बाद बात ठीक खत्म। कुछ है, ना सोचे उसमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये वाली बातें सोचनी, जॉब को सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि आपने जब मेजर रखना है ना, आपने रखना है 4 सेमेस्टर में, उसके बाद आपके पास टोटल 4 साल है, 2 साल BSc के, 2 साल MSc के। आपको नहीं पता 4 साल के अंदर इधर पाकिस्तान के हालात का, आपको सबको पता है, अभी हमें नहीं पता 4 साल के अंदर क्या होना है, फील्ड में क्या चेंजेस आनी है, आगे प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा आने हैं, क्या होना है, अगले 4 साल की प्रेडिक्शन किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि यार जॉब किस मेजर में मिलेगी, इसको आप साइड पे कर दें, और जस्ट अपने इंटरेस्ट के बेस पे, जहाँ पे आपको आप सेटिस्फाई हो, आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हो, आपको मजा आ रहा हो पढ़ने का, इंटरेस्ट हो, तो उस मेजर में चले जाएं। ठीक है जुनेद, अच्छा जिशान, उसमें ना मेरी अमर मुश्ताक भाई से बात हुई थी आज, तो वो कह रहे थे उनकी तबीयत का कोई ना इशू था, तो अनकरीब इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ लाइव होंगे। बाकी आपकी मोहब्बतों का, डिस्कशन का और गाइडलाइन का बेहद शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसी तरह के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, पॉजिटिव प्रोग्राम जो है वो हम लोग करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अभी मैंने मरवा आपी जो है उनको, एक मिनट, मैं जस्ट वो जो बात थी ना कंक्लूडिंग वाली, वो फिर ध्यान में आ गई है कि ठीक है, आपने आज जितने भी मेरे ख्याल में 9 या 10 स्पीकर्स आपने लाइव लेने थे टोटल, तो अगर जी उनके जी अंदर ये ऑडियंस के लिए है, वैसे जो हमारे यंग हमें जूनियर देख रहे हैं अभी, उनमें अगर एक चीज कॉमन देखी जाए ना, उन सब में कॉमन क्या था, वो आप जिस मरे बंदे को उठा के देख लो, वो कोई डिबेटिंग क्लब का प्रेसिडेंट रहा है, वो कोई क्विज क्लब का प्रेसिडेंट रहा है, कोई पायनियर मेंबर्स में था, मरवापी को देख लें, इन्होंने दी एग्रेरियन सोसाइटी को भी बिल्कुल एज अ मेरे से यानी सीनियर है, रिस्पेक्ट है आप ही हैं, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है, क्विज क्लब को वाइस एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है, अपने शोएब भाई हैं यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा नाम, यानी कि डिबेटिंग क्लब में बहुत ऊपर गए हैं, आर्ट क्लब में शुरू में रहे हैं, बिल्कुल तो जिस बंदे को भी आप उठा के देखेंगे ना, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है हर बंदे का। तो बिल्कुल ऐसे ही ये है, जूनियर के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। एंड पे फिर कोई टेक होम मैसेज है, भी 100% अपनी जो अपनी एफर्ट्स है ना, वो स्टडी पे ना लगाएं, भी इधर उधर अपना माइंड निकालने के लिए ना, माइंड को बिजी रखने के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो ये सब कुछ करें। ये मेरे जो फर्स्ट बॉस है मोहम्मद राशिद साहब, एंग्रो में थे, एंग्रो में अभी भी हैं, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एफर्ट्स को। तो सर सलाम अलैकुम, सलाम हो गया, ये राशिद साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है जी, जिन्होंने हमें सिखाया था कि इंडस्ट्री वालेकुम में सलाम सर। हाँ या प्रोफेशनल लाइफ हाँ में। तो जुनेद ठीक है, इंशाल्लाह जो आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं उन पे इंशाल्लाह दोबारा लाइव होंगे कभी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, तो डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल अभी मरवा आपके को आप लाइव ठीक ले लें, है। मैं अभी जरा उनके बातें सुना। नहीं, मैंने उनको लेना है। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।